I, Sri Nabam Tuki, having been elected a member of the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अभी इलेक्शन सब कंप्लीट हो गया है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो गया। अब जो असेंबली एज यूजल नॉर्मल चलेगा और नया स्पीकर चुन गया है पी डी सना साहब और हमारा डिप्टी स्पीकर रेशम पोंगटे साहब को दिया गया है और मेरा विश्वास है तो दोनों यंग एनर्जेटिक है, अच्छा से असेंबली को चलाएगा, जिसे संविधान में जो दायित्व दिया है उस हिसाब से चलाएगा वो, बोल के मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग भी चाहते हैं सरकार अच्छा से चले और हम लोग जितना जरूरी होगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बाधा नहीं देंगे, कोऑपरेट करेंगे और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हम लोग जरूर निभाएंगे। जहां गलती करेगा उसका आवाज़ जरूर उठाएंगे और आम जनता का रक्षा के लिए और अरुणाचल का रक्षा के लिए जरूर आवाज़ उठाएंगे। तो कि साहब कांग्रेस बहुत माइनॉरिटी में हो गया, चार नंबर पर पहुंच गया, रूलिंग में था, अभी 2019 में चार में पहुंच गया, तो अभी आप लोग लगभग अपोजिशन का रैंक भी नहीं पहुंचता है, फिर भी आप लोग का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी तजुर्बेकार है स्पीकर ने कहा, तो क्या रोल रहेगा सर आपका? जीरो से ज़्यादा तो एक है और हमारा हम चार है, इसमें चार और पांच में कोई अंतर नहीं पड़ता, जो भी है अपना जो रोल हो उसको निभाना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। जो अपोजिशन में है अपोजिशन का रोल निभाएगा, जो रूलिंग में है रूलिंग का रोल निभाएगा, अपना अपना दायित्व करेगा। और विशेष करके अपोजिशन रहना बहुत ज़रूरी है, अपोजिशन रहने से तो ये डेमोक्रेसी मजबूती होगा, जब अपोजिशन नहीं होगा तो कहाँ डेमोक्रेसी होगा। तो डेमोक्रेसी को रक्षा सबसे प्रथम काम है, डेमोक्रेसी को रक्षा करना है और संविधान को रक्षा करना है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म होगा। और अरुणाचल के लिए जो भी अच्छा निर्णय लेगा उसका हम लोग समर्थन देंगे और गलत निर्णय लेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। कांग्रेस का डिबाकल का वजह से तकम संजय ने रिजाइनेशन देगा बोल के डिक्लेरेशन दिया था, आप क्या कहेंगे? उस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नॉलेज में नहीं है, मैं बाहर में था, मैं परसों आ गया वापस में स्टेशन में, उसका हम पार्टी अंदर में चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि राजनीति में उठाव चढ़ाव तो होता ही है और हर जीत तो होता ही है, कभी हार होगा कभी जीत होगा और समय आपका हिस्ट्री बताते हैं, तो वो मानना पड़ेगा, जनता का जो फैसला को मानना तो पड़ेगा, उसको हम लोग मानेंगे और मान के चलेंगे और आगे अच्छा के लिए काम करेंगे। काफ़ी स्कीम्स आपने आपका सरकार का समय में लिया और पिछले दो साल में भी बीजेपी सरकार ने भी चलाया, कोई इम्पोर्टेंट स्कीम जो है पब्लिक का डिमांड में अभी आता है तो आप लोग कैसे आप लोग का रहेगा? कांग्रेस सरकार ने बहुत सारा स्कीम शुरुआत किया, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मेरा सरकार में भी मैंने बहुत नया नया स्कीम शुरुआत किया था, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। विशेषकर अरुणाचल में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, अदर सोशल सेक्टर्स में जितना भी स्कीम हमने शुरुआत किया उसका बहुत बड़ा फायदा मिला आम जनता को और कामयाब हुआ, और ये स्कीम अभी भी आगे लेके चलना होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो सरकार है पेमा खांडू जी का जो सरकार है वो उस स्कीम्स को आगे लेके चले ताकि हमारा लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और विशेष करके हमारा प्रदेश का उन्नति आगे बढ़ेगा।